प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ब्रश तो कर ही लिया होगा आपने, सुबह सुबह उठ गए होंगे, ब्रश कर लिया होगा बहुत खुशी खुशी से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है? उसमें एक सोडियम होता है SLS के नाम से, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है किसी भी टूथपेस्ट में झाग क्रिएट करना। अब हम लोगों को लगता है कि जब हम पेस्ट करते हैं तो जिसमें जितना ज़्यादा झाग बनते हैं वो उतना ज़्यादा पेस्ट है, उतना ही वो हमारे दांतों के लिए अच्छा है। लेकिन सोडियम लॉरेल सल्फेट है क्या? ये एक तरह का पॉइजन है जो हमारे शरीर में कैंसर क्रिएट करता है। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग तो टीवी देखते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी को उछलते कूदते हुए देखते हैं, जो ऐड अच्छा लगता है उसी तरह का पेस्ट हम लेकर ब्रश करना शुरू कर देते हैं। क्या करना चाहिए? हमें नीम की दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए, बबूल की दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब भी हम कुछ खाना खाएं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके 5 मिनट बाद ही हमें प्लेन ब्रश से, सॉफ्टेस्ट ब्रश आपका होना चाहिए, उस पर बिना किसी पेस्ट लगाए अपने दांतों को ऐसे ही साफ कर लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि विदेशों में ज़्यादातर जो डेंटिस्ट हैं वो अपने पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप ब्रश कीजिए लेकिन बिना पेस्ट के। जब भी आप खाना खाएं, अपने सॉफ्टेस्ट ब्रश से अपने दांतों को साफ कर लें। इससे दांतों पर पीलापन भी नहीं आएगा और किसी भी तरह के बैड बैक्टीरियाज भी आपके दांतों के बीच में नहीं रुकेंगे। हमारे इंडिया में ब्रश की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तो नीम की दातुन से काम चला लेते थे। ये उससे सस्ता भी पड़ेगा, जो आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं आप उसका प्राइस देख लीजिए और नीम की दातुन का प्राइस देख लेना, तो आपको कितना सस्ता पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीम का पेड़ आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, विलेज एरिया में चले जाइए, मिल जाएगा। आपका कोई दोस्त यार, रिश्तेदार, रिलेटिव कोई तो ऐसा होगा जो गाँव से कनेक्टेड होगा, या उनका कोई फ्रेंड, मंगा लीजिए 1 महीने का। वैसे भी तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से इस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसी तरीके से आप अगर चाहें तो मिल सकता है, चाहें तो भगवान भी मिल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ नीम की एक लकड़ी है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। आप 1 महीने का मंगा के रख लीजिए। अब उसकी जो एक दातुन होती है उसको आप 5 से 7 दिन चला सकते हैं। किस तरीके से? आज आपने इस्तेमाल किया, आगे से कट किया, रख दिया, रात को भिगो के रख दिया, सुबह उठ के फिर इस्तेमाल कर लिया, जितना इस्तेमाल हुआ उसे फिर चाकू से कट कर दिया, पूरे दिन ऐसे ही रहने दिया, रात को फिर पानी में भिगो के रख दिया, अगले दिन सुबह फिर इस्तेमाल कर लिया, तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। आपके दांतों में कोई बीमारी नहीं होगी, किसी तरह का बैड बैक्टीरिया नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा, आपके दांत स्वस्थ होंगे और आप सोडियम लॉरेल सल्फेट से भी बच जाएंगे जो कैंसर क्रिएट करता है। थोड़ा सा पुराना जमाने की तरफ नज़र डालिए, वहाँ पर इस तरह के पेस्ट का इस्तेमाल होता ही नहीं था। हम लोग दातुन करने वाले लोग हैं, वो भी नीम की डंडियों से। कोई बीमारी नहीं होगी आपको। योग की तरफ जाइए, देसी नुस्खों की तरफ जाइए, आयुर्वेद की तरफ जाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप चाहें तो नीम की दातुन जरूर ढूंढ के लाएंगे कहीं ना कहीं से, और आप उसी का इस्तेमाल करेंगे और अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी ये बताएंगे। आलस छोड़ो कि यार हमें तो बना बनाया मिल गया, पेस्ट फटाफट से लगाया और हमने ऐसे कर लिया, चलो हो गया काम। लेकिन ये आपको बीमार बना रहा है एवरीडे। तभी तो आप डेंटिस्ट के चक्कर लगाते हो, तभी तो आपको और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आलस बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, लेकिन अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करो। अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, योग की तरफ जाइए, आयुर्वेद की तरफ जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी मनोकामना है। Take care guys, have a good life.